Hello, my name is Tarun Agarwal and I am digital networker. Now this is a quick video and I am going to speak on a topic called prospecting in tough times without being pushy. Okay, so I mean to say is time pe, you know, because of virus pandemic, okay, jo situation chal rahi hai, each and every person, not only in India but the entire world, each and every person is affected, okay, and we are moving towards new normal. The world is now going to be changed, yeah, divided into two parts, before corona and after corona. So before corona ka time to humne enjoy kar hi liya tha, but after corona ka time jo aane wala hai, this is going to be completely changed. So ho sakta hai ki jo bhi changes, jo bhi digital changes ho rahe hain ya jo bhi strategical changes market mein ho rahe hain, businesses mein ho rahe hain, maybe इन चेंजेस के बाद हो सकता है कि हम वापस उस वाले नॉर्मल में कभी ना जा पाएँ. ओके, सो फॉर लाइफ टाइम मे बी दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल. सो अगर ऐसा है, थोड़ा सा रिसेशन का टाइम चल रहा है, डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट रिसेशन, ओके, रिसेशन की वजह से जो ये डिप्रेशन होता है, ओके, सो रिसेशन जो होता है ना, रिसेशन फर्स्ट हिट्स द माइंड सेट and then it hits the market. Okay, so it is very very important to understand. Yes, abhi is time pe hamare jitne bhi prospects hain, they are feeling little depressed, they have certain negativity. So being a network marketer, what can we do? Okay, so prospecting in tough times without being pushy, because this time pe people are little negative, people are little थोड़ा सा एंजाइटी है. सो देर आर टू थिंग्स, ओके, बट हम एज अ बिजनेसमैन हम कभी ये नहीं बोल सकते कि मार्केट में रुपया नहीं है. ओके, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, मार्केट में रुपया नहीं है. यस, मार्केट में नेगेटिविटी है, रिसेशन है, बट मार्केट में रुपया है. ओके, अगर मार्केट में रुपया है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर आर, एक तरीके से तराजू है, एक जगह है सर्टेनिटी और एक जगह है एंजाइटी. पीपल विल नेवर टेक डिसीजन. ओके, लोग हमेशा कभी भी यस नहीं कहेंगे अगर तराजू अगर एंजाइटी की तरफ भारी होगा तो. ओके, अगर वो एंजाइटी की फीलिंग कर रहे हैं, इन दैट केस दे विल नॉट जॉइन द बिजनेस. इफ़ वी कैन गिव देम द सिचुएशन, एक ऐसा एक्सपीरियंस दें विच कैन गिव देम सर्टेनिटी, इन दैट केस दे विल डिसाइड टू गो फॉर द बिजनेस. ओके, सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन एंजाइटी इस टाइम पे किस टाइप के एंजाइटी क्यों हो रही है लोगों के माइंड में. इट इज़ बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, ये आपको पहले से पता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. हेल्थ क्राइसिस, पीपल आर रियली अफ्रेड, कोई चाहता नहीं भाई उसको कोरोना वायरस हो जाए, भाई उसके बाद पता नहीं वो वापस आएगा नहीं आएगा और क्या होगा. ओके, अगर डॉक्टर के पास चले गए तो. नेक्स्ट, नेगेटिव माइंड सेट. ओके, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कहीं ना कहीं किसी से भी बात करो तो हर कोई यही कह रहा है पता नहीं भाई क्या होगा कैसे होगा. सो दिस अगेन, एक दूसरे से बात करके लोग नेगेटिव हो रहे हैं. देन कन्फ्यूजन एंड देन फियर. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स पीपल हैव सर्टेन सेंस ऑफ एंजाइटी एंड दिस इज़ क्वाइट नेचुरल. ये बहुत नेचुरल है. ओके, सो एज एन ऑन्टरप्रेनर, इट डजेंट मैटर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या किसी भी बिजनेस में हैं, एज एन ऑन्टरप्रेनर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर एक पर्सन को एन्जाइटी की फीलिंग कॉन्टिन्यूसली मिल रही है तो हो सकता है कि वो कोई भी डिसीजन कभी ना ले पाए. बट अगर हम उसकी फीलिंग, अगर हम उसको सर्टेनिटी की फीलिंग दे पाए, ओके, समथिंग विच इज सर्टेन, तो इन दैट केस पर्सन विल टेक डिसीजन इन अ येस, राइट. सो लेट्स फोकस कि लोगों के अंदर ये सर्टेनिटी की फीलिंग कैसे हम दें. ओके, सो चलिए क्विकली. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड एक माइंडसेट शिफ्ट किस तरीके से होता है एक पर्सन का. थोड़ा सा इसको सरका देते हैं और यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो सर्टेनिटी, ओके, मतलब सर्टेनिटी का मतलब इन कंट्रोल. सो कैसे एक पर्सन का माइंडसेट कैसे शिफ्ट होता है, तो माइंडसेट शिफ्ट साइकिल की बात करते हैं. सबसे पहले, जैसे ही कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है, जैसे आपको पता है कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, सबसे पहले जो भी लोग हैं, एज ए ह्यूमन बींग, वी फर्स्ट डिनाय. आपने सुना होगा जब फर्स्ट टाइम पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे लॉकडाउन करेंगे, एक दिन का लॉकडाउन, फिर 14 दिन का लॉकडाउन, तो उस टाइम पे लोग कह रहे कुछ नहीं है, 14 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है. तो दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन. कोई भी प्रॉब्लम होती है, पहला रिएक्शन ये होता है, अरे कुछ नहीं है, सब हो जाएगा. उसके बाद जब वो कुछ नहीं है, जब एक रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाता है 14-15 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, और जब लोग देख रहे हैं कि भाई अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है और बिजनेस ठप हो रहे हैं, रेंट पे करना है, वॉट एवर, इन दैट केस यही डिनायल धीरे धीरे करके एंगर में कन्वर्ट हो जाता है. जब गुस्सा आता है, अरे यार ये कब ठीक होगा, यार ये कब ठीक होगा, बड़ा गुस्सा आ रहा है, करेक्ट. सो फर्स्ट पीपल डिनाय, देन दे फील एंग्री,
एंग्री, ओके, एंड देन दे बार्गेन. बार्गेन का मतलब यार एम्प्लॉय कह रहे हैं मुझे सैलरी दो, ओके, जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ पे लोग कह रहे हैं भाई रेंट दो. तो उस केस में पीपल बार्गेन, लोग कहते हैं कि सर आप तो पता ही है धंधा तो चल नहीं रहा, सर थोड़ा सा आधा 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 कर लो सर, इस बार सर माफ़ कर दो, इस बार सर इस बार यार सैलरी मत लो, इस बार आधी सैलरी ले लो. देन द थर्ड स्टेज इज जब लोग बार्गेन करते हैं. एंड देन द फोर्थ स्टेज इज जहाँ पे आपको मजबूरन लोगों को निकालना पड़ता है, जब मजबूरन बार्गेनिंग जब नहीं चलती तो फाइनली होता है डिप्रेशन, जब ऐसा लगता है कि यार अब तो सब कुछ तबाह हो गया, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया. और यहाँ तक आते आते नेक्स्ट स्टेज होती है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस का मतलब अब जाके लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं यार बात तो सही है, अब इस वायरस के चक्कर में अब प्रॉब्लम तो है जो है वो है, सिर्फ हमारे साथ नहीं है सबके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है. और जब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इन दैट केस उसके बाद ही हमारा माइंड खुलता है सॉल्यूशन की तरफ. ओके, डू यू एग्री विद मी ऑन दीज पॉइंट्स? हमारा माइंड सेट कुछ इसी तरीके से ही शिफ्ट होता है, हमारे प्रॉस्पेक्ट का भी और हमारा भी. सो फर्स्ट पीपल डिनाई, लेकिन कुछ ही लोग यहाँ तक आते हैं एक्सेप्टेंस तक. और जब एक्सेप्ट करते हैं कि येस दिस इज़ अ प्रॉब्लम, आई हैव टू टेक सम एक्शन, इन दैट केस पीपल विल लुक फॉर अ सॉल्यूशन. और अगर हम इस तरीके से एक प्रॉपर एक चाहे हमने वर्कशॉप के थ्रू करें चाहे एक वेबिनार के थ्रू करें, इफ़ वी कैन गिव सच काइंड ऑफ माइंड सेट शिफ्ट टिल द सॉल्यूशन पॉइंट, इन दैट केस नाउ वी कैन शेयर अवर बिजनेस, नाउ वी कैन शेयर अवर बिजनेस इन अ ब्यूटिफुल वे. नाउ हाउ, मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ. When person is ready for accepting a solution, तो मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताता हूँ. पहला, चाहे आप वेबिनार कर रहे हो, चाहे आप सेमिनार कर रहे हो, चाहे आप वर्कशॉप कर रहे हो वट एवर, या फिर इवन यूट्यूब लाइव कर रहे हो वट एवर, तो हाउ आवर प्रोडक्ट और बिजनेस कैन बी एसेट नाउ एंड फ्यूचर. मतलब कि अगर हम अपने जो भी कॉन्टेंट है या जो भी हमारा सेल्स पिच है मान के चलिए या प्रॉस्पेक्ट पिच है, अगर हम अपने प्रॉस्पेक्ट को ये बता पाए कि हमारा बिजनेस हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से आपके लिए एक एसेट की तरह काम कर सकता है, आपके सिर्फ अभी के लिए नहीं फ्यूचर के लिए भी, इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, आगे के लिए कितनी सिक्योरिटी, मतलब इफ़ यू कैन गिव अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी थ्रू अवर बिजनेस, दैट दिस इज़ द ओनली बिजनेस जहाँ पे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग यू कैन वर्क, दिस इज़ अ यू कैन से लोग कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करो ये करो वो करो, बट दिस इज़ मल्टी स्टेज मल्टी लेवल एफिलिएट मार्केटिंग. ओके, अगर हम लोगों को ये जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस को हम लोग, अगर हम उसको प्रेजेंटेशन में ये बता पाए हाउ आवर बिजनेस और प्रोडक्ट कैन बी एन एसेट नाउ एंड फ्यूचर, इन दैट केस द पर्सन विल फील अ सेंस ऑफ सर्टेनिटी, अ सेंस ऑफ सर्टेनिटी. हालांकि उसके अंदर फियर होते हैं, कंपनी भाग गई तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो वही सब एलिमेंट्स अगर हम समझें और अपने प्रेजेंटेशन में डाल दें, पर्सन विल टेक डिसीजन इन अ येस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ अवर सॉल्यूशन कैन रिड्यूस रिस्क. ओके, क्यों कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि रिस्क लेने के लिए आई मीन पीपल आर बैड डिसीजन मेकिंग, सो लोगों को लगता है बड़ा रिस्की है. सो हाउ अवर सॉल्यूशन कैन रिड्यूस रिस्क, बिकॉज देखिए आज से कुछ टाइम पहले कहते थे कि यार नौकरी कर लो, नौकरी में इतना रिस्क नहीं है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है. लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया है जब ऐसा बोलते हैं कि बिजनेस इवन नौकरी ज़्यादा रिस्की हो चुकी है, बिजनेस इज़ लेस रिस्की. दिस इज़ द टाइम आप देख रहे हैं, इस टाइम पे नौकरियां, जो लोग जॉब में हैं उनको खुद नहीं पता कि कल क्या पता किसी एचआर का फ़ोन आ जाए, वो बोले कि भैया नमस्ते, अब आपको इस बंदिशों से रिहा किया जा रहा है ना. सो जॉब्स आर मोर रिस्की, बट अगेन एट द सेम टाइम बिजनेस पे भी रिस्क है. बट बिजनेस में एक चीज़ मैं आप ध्यान से सुनेगा जो मैं आपको अभी वर्ड्स बोल रहा हूँ, बिजनेस इज नेवर रिस्की. ओके, बिजनेस इज नेवर रिस्की, बट बिल्डिंग बिजनेस विद अनएजुकेटेड माइंड सेट actually this is super super risky. Okay, so we have to, if we are going for a business, we have to learn some business skills. Wo skills jisse aapko naukri mil gayi thi, us skill se aap business nahi kar sakte. You have to be open, aapka mind open hona chahiye to learn some new things related to business. So only when you learn about business ye risk aap dheere dheere karke hata sakte hain, correct? Aur ye isi tarike se ho gaya, इसकी स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर देते हैं. कंट्रोल, पीपल एक्चुअली वॉन्ट टू फील अ कंट्रोल. कंट्रोल मतलब एक तरीके से जैसे लीफ इन विंड, जैसे कि बड़ी तेज़ हवा चल रही है और एक क्या बोलते हैं पत्ती है ना, एक 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 पत्ता एक विंड में बस तैर रहा है. सो विच मीन्स उसको उस पत्ते को भी नहीं पता कहाँ जाके गिरेगा. लोग ऐसे ही फील करते हैं, लोग फील करते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, मुझे नहीं पता यार ये क्या होने वाला है, दो महीने बाद क्या होगा, कुछ नहीं पता. बट इफ़ यू कैन गिव अ सॉल्यूशन विच इज़ लेस रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है, और जहाँ पर हम उसको बता रहे हैं कि नो, आपके पास प्रॉपर कंट्रोल है,
ऐसा नहीं है कि ये एक पत्ता है जो कि बस हवा में उड़ रहा है, पता नहीं कहाँ आके गिरेगा. नो नो नो, इफ़ वी कैन गिव यू अ प्रॉपर कंट्रोल, इफ़ वी कैन गिव यू प्रॉपर क्लैरिटी कि आपका अगले 2 महीने के अंदर आप हाउ मच यू कैन अर्न, इन नेक्स्ट 2 मंथ्स हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू कैन डू ऑफ योर एफर्ट, एफर्ट इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मनी इन्वेस्टमेंट कितना होगा, और उस मनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने कितने टाइम में, कितने दिनों में लेके आ सकते हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर 30,000 रुपीज़ का अगर स्टार्टर किट है 30,000 रुपये का, और अगर हमने क्लैरिटी दी कि 30,000 रुपये अगर 1 महीने के अंदर आप कमा सकते हो वापस, इसका मतलब उसके आगे जो कुछ भी होगा आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, देर इज़ नो लॉस. करेक्ट. सो इफ़ यू कैन गिव, इफ़ यू कैन जस्ट रिड्यूस रिस्क इन अवर प्रेजेंटेशन, अगर हम कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन दें उनको या कोई भी एक ऐसे सिस्टम में डालें जहाँ पे उनको लगे कि यस दिस इज़ एन एसेट, दिस इज़ अ फ्यूचर. सेकेंड, इफ़ दे अंडरस्टैंड कि यहाँ पे रिस्क नहीं है, किसी और बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है. और थर्ड, इफ़ यू कैन गिव दैम FIDT स्ट्रेटेजी. FIDT, लेट्स फोकस ऑन दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉट इज़ FIDT? FIDT का मतलब क्या होता है? फुट इन द डोर. फुट इन द डोर इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को. फुट इन द डोर का मतलब क्या है कि जब भी आप देखेंगे कि कमरा, जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, ये कमरा बहुत बड़ा है, लेकिन इस कमरे के अंदर घुसने के लिए जो दरवाज़ा है वो छोटा है. विच मीन्स दरवाजे के अंदर जब हम घुसते हैं तो दरवाज़ा छोटा होता है, लेकिन वंस अ पर्सन कम टू योर शॉप, ओके, दुकान के अंदर जब घुसता है, देन द पर्सन एक्सपेंड. मतलब कि जब हम दरवाजे के अंदर घुसते हैं, देन वी श्रिंक, बट वेन वी एंटर वी एक्सपेंड. सिमिलरली हमको कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजी करनी होगी कि इफ़ अ पर्सन हमारी दुकान के अंदर तो घुसे, एक फुट मतलब अपना पैर रखे हमारी दुकान के अंदर, मतलब इसको बोलते हैं गुड इन्विटेशन स्किल्स, अगर हम उसको अच्छी तरीके से गुड क्वालिटी इन्विटेशन दे पाएँ, एक ऐसा इन्विटेशन जिसको वो नकार ना पाए, मना ना कर पाए, इफ़ यू कैन इन्वाइट दैट पर्सन टू अवर शॉप, वो दुकान के अंदर आएगा, उसके बाद वो एक्सपेंड करेगा. ये दुकान क्या है? ये दुकान एक्चुअली आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन है, आपकी वर्कशॉप है, आपकी वेबिनार है, दैट इज़ योर शॉप, जहाँ पर आप उसको एक्सपोजर दे रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी का, जहाँ पर आप उसको बता रहे हैं कि एसेट्स, दिस बिजनेस इज़ एन एसेट. ओके, यही एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग विच इज़ अ ट्रांसफरेबल बिजनेस. आपको कुछ होता है तो किसी और को मिलेगा भाई. ओके, सो देर इज़ नो रिस्क. एंड FIDT फॉर्मूला, विच मीन्स कि यू फर्स्ट इन्वाइट दैट पर्सन टू योर वेबिनार, एंटर, लेट देम एंटर, गिव देम वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड देन एक्सपेंड, दे विल ऑटोमेटिकली एक्सपेंड, दे विल थिंक आपके और क्या करना, और क्या करना है. ओके, सो दैट इज FIDT स्ट्रेटेजी, फुट इन द डोर. ओके, एंड नेक्स्ट, नर्चर रिलेशनशिप विद दोज हु रिजेक्ट. इवन कुछ लोग जो नहीं डिसीजन ले पा रहे, जो लोग नहीं काम कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे नहीं यार फिर कभी देखेंगे, देन वी मस्ट लर्न एज एन एंटरप्रेनर. इवन जो लोग ने आज मना किया है ना, वो लोग कल हमारे ग्राहक बनेंगे, वो लोग कल हमारे ग्राहक बनेंगे. राइट, सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट दिस. प्रोस्पेक्टिंग इन टफ टाइम्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड, मार्केट में रुपया है, बट अब मार्केट में हमें काम करने के लिए वी हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी. ओके, दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज विच आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू. ओके, सो दीज आर द एक्सपीरियंसिस, बिकॉज आज के टाइम में जो प्रोसेस है, प्रोस्पेक्ट विल नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन ओनली लॉजिकल माइंड, दे विल टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस, एंड वंस दे गेट एन इमोशन ऑफ सर्टेनिटी कि येस दिस इज अ गुड डिसीजन, इन दैट केस दे विल इन्वेस्ट ऑन योर स्टार्टर किट. ओके, नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू सम गिफ्ट. आई होप यू आर फाइंडिंग इट वैल्यूएबल. इफ येस, अगर आप तो कोई अभी तक वैल्यूएबल लगा तो जस्ट टाइप वैल्यू, अगर आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो. ओके, आई वॉन्ट टू गिव यू टू गिफ्ट्स. फर्स्ट गिफ्ट, आई वॉन्ट टू ट्रेन यू. ओके, आई वॉन्ट सम टाइम, मुझे एटलीस्ट आपके 5 से 6 घंटे चाहिए. ओके, सो दैट इज़ अ 3 डेज टेलीग्राम वर्कशॉप जो कि मैं कर रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन, और 5 बैच मैं फिनिश कर चुका हूँ, 6th बैच अभी स्टार्ट हो रहा है. मुझे नहीं पता है कि आप ये वीडियो मेरी कब देख रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में देख रहे हो, उस टाइम पे पता नहीं कौन से बैचेज हो चुके हैं, हो सकता है ये खत्म भी हो चुका हो. ओके, हो सकता है मैं दोबारा से ना कर रहा हूँ, बट जो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप उसको देख सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट ग्रैब दिस पर्टिकुलर स्किल, ओनली ₹99. ओके, सो 3 लाइव सेशन्स होंगे जूम पे, और टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप है वैसे टेलीग्राम होता है. टेलीग्राम में एक मैंने ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर आपको एक्सेस मिलेगा, उसी के अंदर आपको सारे नोट्स, जूम मीटिंग्स के लिंक्स और सब चीज़ें उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगा, कोई ईमेल वीमेल नहीं मिलेगी. ओके, सो इट इज़ जस्ट ₹99, और इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यू कैन एनरोल फॉर द नेक्स्ट बैच. हेयर यू विल लर्न अबाउट प्रोस्पेक्टिंग विदाउट कन्विंसिंग, किस तरीके से लोगों को इन्वाइट करें डिजिटली, एक्चुअली विदाउट मीटिंग द प्रोस्पेक्ट, हाउ यू कैन डू द प्रोस्पेक्टिंग. सो ओनली ₹99, नथिंग टू थिंक. ओके, सो चाय नाश्ते में इतना हो जाता है. नेक्स्ट, मैं आपको एक और गिफ्ट दे रहा हूँ, दैट इज़ वेबिनार रिक्रूटमेंट फॉर्मूला.
अगर आप इस वर्कशॉप को गो थ्रू कर चुके हैं और आपको लगता है कि यार मुझे वेबिनार के थ्रू कैसे काम करना है, अगर वो सीखना है, इन दैट केस देर इज़ अनदर लिंक विच आई एम गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं. दैट्स एन ऑटोमेटेड वेबिनार. एक ऑटोमेटेड वेबिनार है मेरा, ओके, उसका मैं लिंक जल्दी से आपको दिखा देता हूँ. दिस इज़ एन ऑटोमेटेड वेबिनार, bit.ly/freewebinar80. आप इस वेबिनार को भी देख सकते हैं. जस्ट गो थ्रू ऑल दिस, गो थ्रू दिस 30 मिनट्स वेबिनार. और जो वर्कशॉप है, दैट इज़ अ लाइव वर्कशॉप. अगर आपने वो लाइव वर्कशॉप अगर आप पूरा अटेंड नहीं भी कर पाएंगे, एक आध क्लास आपसे मिस भी हो जाती है, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, ओके, फॉर लाइफ टाइम. फाइन. सो दीज आर सम ऑफ द गिफ्ट्स विच आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू. एंड जस्ट लेट्स गो थ्रू दिस अगेन, ओके. सो वी हैव टू गिव अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी टू अवर प्रॉस्पेक्ट्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन टू एंग्जाइटी. ओके, आई होप you found it valuable, and this is the way how you can do prospecting in tough times without being pushy. Okay, so do subscribe this YouTube channel and do share your thoughts about the learnings you got from here, and do share this within your team. Definitely this is something super super valuable. I'm trying my best to give you good quality value. Okay, all the best to you, and see you in the next video. Do subscribe the channel, don't miss it. Bye, see you.